नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विज्ञापन आ चुका है, वैकेंसीज आ चुकी है, आप लोग जल्दी ही फॉर्म भर देंगे या कुछ ने भर भी दिया होगा। तो अब बारी आती है परीक्षा की तैयारी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जिसे भी हिंदी प्रवक्ता पद के लिए अर्थात पीजीटी हिंदी के लिए तैयारी करनी है उसे क्या क्या पढ़ना होगा और किस तरह से परीक्षा होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लिखित परीक्षा आपकी 125 प्रश्नों की होगी, यानी लिखित परीक्षा होगी जिसमें 125 प्रश्न है। हर प्रश्न के लिए आपको 3.4 अंक दिए जाएंगे, यानी कुल 425 अंकों की ये परीक्षा होगी। समय जिसका 2 घंटे होगा, ऋणात्मक कोई भी अंक नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं। इन 125 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना होगा और उसके अलावा 50 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा और 25 नंबर अधिकतम जो वेटेज होता है विशेष योग्यता के आधार पर उसके दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम पाठ्यक्रम की। प्रवक्ता परीक्षा के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, आपको इसमें पता होना चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, है ना। हिंदी साहित्य का आपको इतिहास पता होना चाहिए, कहां से हिंदी साहित्य के लिखने की शुरुआत की। उसमें जो सबसे पहले आता है आदिकाल, आदिकालीन साहित्य की आपको प्रमुख प्रवृत्तियां और उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद भक्ति काल, जिसके अंतर्गत संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य आता है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। फिर रीति काव्य धारा की भी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध कवि आते हैं। उसके बाद आधुनिक युग काल की बात करें तो आधुनिक काल में आपसे भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के, प्रगतिवाद और नई कविताओं संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर गद्य साहित्य के विकास की हम बात करते हैं तो उसमें आपको नाटक, नाटकों की शुरुआत कहाँ से हुई थी और किस क्रम में वो आगे बढ़े, प्रमुख नाटक और उनके नाटककार, इसी तरह से निबंध, कहानियां, उपन्यास, आलोचना आपको पता होनी चाहिए। हिंदी की लघु विधाएं, लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय, जैसे जीवनी और उनके जीवनी का संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य और व्यंग्य। ठीक है, ये तो हो गया आपका साहित्य की बात। इसके अलावा काव्य शास्त्र में आपको अवयव, काव्य शास्त्र के अवयव, उनके भेद, रस छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्ति, इनकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से थोड़े बारीक प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अभी हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा विज्ञान में हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं, जो विभाषाएं हैं, बोलियां, हिंदी की जो संपदा है, हिंदी की ध्वनियां हैं, ठीक है, इसके अलावा लिपि का ज्ञान भी होना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है, पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछा जा चुका है, लिपि का विकास क्रम भी पूछा जाता है। इसके बाद पूछा जाएगा आपसे व्याकरण में हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और रूपोक्तियां, ये आपका व्याकरण का सिलेबस है पाठ्यक्रम। इसके बाद पीजीटी स्तर पे संस्कृत साहित्य भी पूछा जाता है, जिसमें साहित्य के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं, भास, कालिदास, भारवी, बाघ, दंडी, भवपूर, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ और राजशेखर, इनके बारे में जानकारी आपसे पूछी जाती है
उसके अलावा संस्कृत व्याकरण की बात करें तो संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके अलावा समास, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल और अनुवाद, ये संस्कृत भाषा में आपसे पूछे जाएं। अब अगर हम ये पूरे सिलेबस की बात करें और आपके पास पढ़ने के लिए कम समय हो तो आप बहुत अधिक पुस्तकों को लेकर नहीं चल सकते। यदि आपको अच्छी तैयारी करनी है तो इसके लिए आप मेरी पुस्तक देख सकते हैं। उसमें आपको व्याकरण की कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, बाकी सारा सिलेबस आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तथ्य परक हिंदी साहित्य संकलन करती है मेरी पुस्तक है। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप 7007459585 पर व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे इंडेक्स उसकी देख सकते हैं और बाकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एक व्याकरण की अच्छी किताब आपको और लेनी होगी। इन दो किताबों को मात्र आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, कोशिश ये कि इनमें से कुछ ना छूटे, तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, कुछ भी छूटेगा नहीं। पर्याप्त दिया हुआ है व्याकरण के लिए, आप प्रतिनाथ की भी, पंडित प्रतिनाथ की किताब भी ले सकते हैं। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आप देख लीजिए बस, एक आप हिंदी साहित्य, तथ्यपरक हिंदी साहित्य संकलन और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देख लेंगे तो आपकी पीजीटी में कोई भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा, साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।